नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टेली के नए नए अपडेट्स मिलते रहे और मैं नए नए टेली के वीडियोस बनाता रहूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कॉलमनार रिपोर्ट्स। इसकी सहायता से हम किसी भी सेल्स रजिस्टर को कॉलम वाइज देख सकते हैं। सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, इसके अंदर हम लेजर भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंटिंग बुक्स में जाएंगे, सेल्स रजिस्टर में जाएंगे। यहाँ से जिस भी मंथ का हमें सेल्स रजिस्टर ओपन करना है उसे हम इंटर करके सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम पीरियड भी चेंज कर सकते हैं इसका। हमें 1/4 से आज तक का ओपन करना है तो हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम कॉलमनार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम F5 से भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसमें सभी ऑप्शन दिखा रहा है जो जो हमें कॉलम वाइज रिपोर्ट्स में चाहिए। जैसे कि शो पार्टी वाइज एड्रेस, अगर हम कॉलम वाइज पार्टी का एड्रेस चाहते हैं तो इसे हम यस कर देंगे, अगर नहीं चाहते इसमें तो हम नो रखेंगे। बाकी सब ऑप्शन हम जो जो रिक्वायरमेंट है उसे हम यस रखेंगे, बाकी सब ऑप्शन को नो ही रहने देंगे। जैसे हम शो पार्टी जीएसटी नंबर, इसके अंदर आपको जीएसटी का नंबर भी मिल जाएगा। इसको एंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए ऑल आइटम ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आप पर्टिकुलर लेजर देखना चाहते हैं तो वो लेजर भी आप ओपन कर सकते हैं, ग्रुप भी आप ओपन कर सकते हैं, ये आइटम भी आप ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऑल आइटम्स में देखना चाहूँगा तो मैं इसे इंटर करता हूँ, इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी रिपोर्ट्स बनकर पूरी तैयार हो गई है। यहाँ पर सभी कॉलम्स आ गए हैं हमारे पास में, जैसे सेल्स का SGST, CGST, GST का नंबर। यहाँ से भी मैं GST का नंबर सर्च कर सकता हूँ। अब मैं इसको रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप यस करेंगे, यस करा मैंने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये टेली के अंदर, टेली से एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गई ये रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम अलग अलग रिपोर्ट्स भी इससे क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल में पूरा डेटा हमारा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से भी हम अलग अलग रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अब इसी के साथ इसमें हम नो कॉलम्स कर देते हैं तो ये कॉलमनार रिपोर्ट हट जाता है। इसमें अगर मुझे एड्रेस चाहिए तो मैं यहाँ पर यस करके इसका एड्रेस, यहाँ पर मैं ऑप्शन को यस कर दूंगा, इसी में मेरे पास में एड्रेस भी आ जाएगा। जितनी भी पार्टियों में एड्रेस है वो सभी यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह आप परचेस में भी ये यूज कर सकते हैं या फिर आप लेजर में भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक बार हम लेजर में ये रिपोर्ट्स चेक कर लेते हैं। हम लेजर में जाएंगे, एक पर्टिकुलर लेजर हमने सिलेक्ट करा सन्डी डेप्टर्स का। इसमें देखिए फ्रेंड्स, कॉलमनार यहाँ पर ये शो हो रहा है। कॉलमनार यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जिस जिस कॉलम्स की हमें रिक्वायरमेंट है उसे हम यस रहने देंगे, बाकी हम कॉलम नो रखते हैं। यहाँ पर इंटर करते हुए यहाँ पर हमें ऑल आइटम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। ये यहाँ पर देखिए, जितने भी लेजर में अकाउंट्स होंगे वो सभी कॉलम्स में आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है। जिस तरह से हम सेल्स रजिस्टर क्रिएट करते हैं, परचेस रजिस्टर क्रिएट करते हैं, लेजर्स देखते हैं, वहाँ पर बहुत ये फायदेमंद है। यहाँ पर देखिए हमें कुछ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे डेली ब्रेकअप, इसमें हम डेली भी देख सकते हैं कितना कितना हमारे पास में सेल हुआ है। इसे हम मंथली भी देख सकते हैं, यहाँ पर मंथ वाइज भी दिखा रहा है। यहाँ पर हम बिल वाइज भी देख सकते हैं इसको, यहाँ से हम कॉन्टेक्ट पर्सन भी इसका देख सकते हैं कि क्या एड्रेस है इसमें,
कंट्री, कॉन्टेक्ट नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, उसका जीएसटी नंबर क्या है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।